Students, welcome in the lecture on metal nitriles, where we will discuss about the EAN and 18 electron rules for metal nitriles. Now, in continuation with the lectures on metal nitriles, we are discussing here 18 electron rule and EAN rule. So, when we know that this NO plus is a 3 electron donor and NO minus is a 1 electron donor, then it become easy to apply the EAN and 18 electron rules on metal nitriles as well. तो आपका स्वागत है बच्चों मेटल्स नाइट्रोसिल्स के इस लेक्चर में जहां पर हम EAN एंड 18 इलेक्ट्रॉन रूल्स के बारे में पढ़ेंगे और क्योंकि हम इससे पहले लेक्चर्स में जान चुके हैं कि NO प्लस और NO माइनस का जो बॉन्डिंग मोड है मेटल नाइट्रोसिल्स में वो कितने इलेक्ट्रॉन को कंट्रीब्यूट करता है मेटल नाइट्रोसिल में एंड आल्सो हम डिस्कस कर चुके हैं मेटल कार्बोनल्स के EAN 18 इलेक्ट्रॉन रूल को तो आई थिंक इट बिकम वेरी इजी टू अंडरस्टैंड दी EAN 18 इलेक्ट्रॉन रूल्स फॉर मेटल नाइट्रोसिल्स एज वेल ओके सो नाउ दीज आर द एग्जांपल्स नाउ आई एम अप्लाइंग द EAN रूल अब क्योंकि हम क्लासिफिकेशन भी जानते हैं बच्चों हमने क्लासिफिकेशन भी पढ़ लिया है हमने ये भी जान लिया है कि अगर NO प्लस की फॉर्म में होगा नाइट्रोसिल तो वो 3 इलेक्ट्रॉन डोनर होगा तो लेट्स स्टार्ट विद सम एग्जांपल्स ये जो एग्जांपल्स मैंने यहाँ पर दिए हैं ये वो एग्जांपल हैं जहां पर NO NO प्लस की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा ओके Now in this case, अब आप इस पहले केस को लीजिए जहां पर कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो हम ले रहे हैं और ये मान के चल रहे हैं कि NO जो है NO प्लस की तरह यहां पर ऐड होने वाला है तो NO प्लस की तरह जब ये ऐड होगा तो ये एक 3 इलेक्ट्रॉन डोनर होगा इसलिए यहां पर मैंने इसको एक तो नाइट्रोसिल है और 3 इलेक्ट्रॉन डोनर है इसलिए यहां पर हमने लिखा है 3:1 नाइट्रोसिल देन कोबाल्ट कोबाल्ट इज इन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट तो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट तो इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा 27 होगा और जो कार्बोनिल है ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है 3 कार्बोनिल्स आर देयर सो इट बिकम्स 2:3 कार्बोनिल्स तो ये अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो टोटल हमारे पास 36 EAN आएगा जो कि क्रिप्टन के एटॉमिक नंबर के बराबर है नेक्स्ट एग्जांपल अगर आप देखेंगे आयरन 26 एटॉमिक नंबर है कार्बोनिल विल गिव 4 इलेक्ट्रॉन्स एंड 1 नाइट्रोसिल कैन गिव 3 इलेक्ट्रॉन्स सो 2 नाइट्रोसिल विल गिव 6 इलेक्ट्रॉन्स सो दैट द EAN विल बिकम 36 नाउ इन केस ऑफ दिस मॉलिक्यूल्स आल्सो दिस इज लाइक दिस बोथ मॉलिक्यूल्स आर सिमिलर नाउ वी कम टू द MN कॉम्प्लेक्स अब MN नाइट्रोसिल को अगर हम देखेंगे तो MN का एटॉमिक नंबर कितना है बच्चों 25 एंड देन CO इज 2 इलेक्ट्रॉन डोनर एंड नाइट्रोसिल इज 3 इलेक्ट्रॉन डोनर सो 3 नाइट्रोसिल विल बी 3 इलेक्ट्रॉन डोनर सो दैट द EAN विल बिकम 36 अगेन क्रोमियम के कॉम्प्लेक्स को अगर हम देखें तो यहां पर CN एक ऐसा लिगेंड है जो कि एनायनिक लिगेंड है इसलिए अभी हमें यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करनी होगी CN5 है और 3 ओवरऑल चार्ज है इस मॉलिक्यूल के ऊपर तो इसमें क्रोमियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो होगी +2 यहां पर मैंने +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आपको दिखाई है और इसलिए क्रोमियम का जो एटॉमिक नंबर जो 24 होता है वो +2 की वजह से 22 हो गया ओके देन आप देखिए कि जो नाइट्रोसिल है वो 3 इलेक्ट्रॉन डोनर है और जो साइनाइड है वो 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है देयर आर 5 साइनाइड ग्रुप्स सो टोटल जो आ गया जो EAN है दैट बिकम्स 35 सो इट इज नॉट फॉलोइंग द EAN रूल अगर हम देखें आयरन का कॉम्प्लेक्स है अगेन यहां पर आयरन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 है और यहां पर इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे 23 देन एक NO है सो 3 इलेक्ट्रॉन डोनर है 5 CN है सो दे विल गिव 10 इलेक्ट्रॉन्स सो टोटल EAN विल बिकम 36 एंड फॉर दिस कॉम्प्लेक्स अगेन द EAN विल बिकम 35 एंड इट इज नॉट फॉलोइंग द EAN रूल इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट वेरी इजीली इफ वी नो व्हाट इज NO+ हाउ इलेक्ट्रॉन डोनर इट इज सो दिस इज दी
फॉर्मूला फॉर EAN फॉर दिस नाइट्रोसिल, जहां पर नाइट्रोसिल NO प्लस की तरह एक्ट करता है, वो एक थ्री इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीसीज है। अब हम ऐसी दो स्पीसीज लिख रहे हैं जहां पर NO NO माइनस की फॉर्म में एड होगा, तो अब आप देखिए कोबाल्ट, कोबाल्ट के साथ साइनाइड जुड़ा है और साइनाइड जो है वो फाइव है और यहां पर चार्ज थ्री है, सो कोबाल्ट इज टू प्लस चार्ज। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27, टू प्लस का 25, देन दिस इज वन इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीसीज एंड 5 CN विल प्रोवाइड 10 इलेक्ट्रॉन, सो द टोटल EN बिकम 36। नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम देंगे, अगेन कोबाल्ट इज इन 2 प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट, सो दिस EN विल बिकम 36। एक एग्जाम्पल हमारे पास ऐसा है जिसमें कि NO प्लस और NO माइनस दोनों एक्जिस्ट कर रहे हैं, तो इन केस में आप देखेंगे कि ये आयरन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है, जो एटॉमिक नंबर है, वो 26 है। NO प्लस इज 3 इलेक्ट्रॉन डोनर, सो इट विल डोनेट 9 इलेक्ट्रॉन्स, एंड NO माइनस इज सिंगल इलेक्ट्रॉन डोनर, सो इट विल डोनेट 1 इलेक्ट्रॉन। 1 प्लस 9 10 एंड 26 इज इक्वल टू 36, सो इट अगेन फॉलोज द EAN रूल। तो इस तरीके से हम EAN रूल को अप्लाई कर सकते हैं फॉर दिस नाइट्रोसिल्स ऑल्सो। यहाँ पर फिर से मैंने एग्जाम्पल दिए हैं जहां पर हम अप्लाई करके देखेंगे 18 इलेक्ट्रॉन रूल को, तो यहाँ पर जब मैं 18 इलेक्ट्रॉन रूल को अप्लाई करूंगी तो यहाँ पर कोबाल्ट जो है उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में, 9 इलेक्ट्रॉन, आप जानते हैं 3d7 4s2, तो 9 इलेक्ट्रॉन से है। 18 इलेक्ट्रॉन रूल के अकॉर्डिंग हमें वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन देखने हैं, देन देर आर 3 कार्बोनिल, सो 6 इलेक्ट्रॉन विल बी डोनेटेड, एंड देर इज 1 NO विच इज इन द फॉर्म ऑफ NO प्लस, सो इट इज 3 इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीसीज, एंड अगेन इट इज बिकम इक्वल्स टू 18। यस, इट इज फॉलोइंग 18 इलेक्ट्रॉन रूल, ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है। अब आप नेक्स्ट एग्जांपल को देखिए जहां पर आयरन है, आयरन में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 8 होते हैं वैलेंस शेल में, देन 2 CO विल प्रोवाइड 4 इलेक्ट्रॉन्स एंड 2 NO विल प्रोवाइड 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन्स, ये भी 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है। देन हम इस कॉम्प्लेक्स को देखेंगे तो आयरन में 8 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, NO 6 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा क्योंकि 2 NO है, और Pr3 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है, तो 4 इलेक्ट्रॉन, सो अगेन इट इज फॉलोइंग 18 इलेक्ट्रॉन रूल, ये भी 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रहा है। अगर मैं इस एग्जाम्पल को देखूं तो यहां पर आप देखिए MN पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंस शेल में वो है 7, कार्बोनिल 1 है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा, और नाइट्रोसिल 3 है तो ये 9 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेंगे, टोटल 18 इलेक्ट्रॉन रूल, सो इट फॉलोज द 18 इलेक्ट्रॉन रूल, ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करेगा। अगर मैं इस एग्जांपल को देखूं तो क्रोमियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है प्लस 2 है, क्रोमियम के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहां पर कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे क्योंकि ये 2 प्लस है, देन 1 नाइट्रोसिल है, इट विल प्रोवाइड 3 इलेक्ट्रॉन, एंड 5 साइनाइड है तो ये कितने इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेंगे, 10, so total is 17, so it is not following 18 electron rule. अब हम इस example को देखें, iron, iron के ऊपर 3 plus charge है, iron के पास 8 electron होते हैं, यहाँ पर कितने होंगे, 5 electrons, NO 3 electron donate करेगा, और जो CN है वो 10 electrons donate करेगा, again it is 18, so it is following 18 electron rule. अगर मैं इस एग्जाम्पल को देखूं तो यहाँ पर MN के ऊपर कैसा चार्ज है, 3 प्लस है, MN के पास वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो यहाँ पर कितने होंगे, 4, कितने NO हैं, 1, तो कितना इलेक्ट्रॉन डोनर है, 3, CN के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन ये प्रोवाइड करेगा, तो कितने इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गया, 17, तो इट इज नॉट फॉलोइंग 18 इलेक्ट्रॉन रूल। तो 18 इलेक्ट्रॉन रूल और जो EAN रूल है वो हमें बताता है कि कौन सा स्टेबल कॉम्प्लेक्स, ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स कौन सा होगा। तो जो 18 इलेक्ट्रॉन या जो EAN रूल को फॉलो करते हैं, दे आर स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस। This example where NO is added as NO minus, it acts as a bent nitrosyl, और यहां पर आप देखेंगे ये जो कोबाल्ट है, कोबाल्ट के ऊपर 2 प्लस चार्ज है, तो अगर ये 2 प्लस चार्ज है तो कोबाल्ट के पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, और इसके ऊपर 2 प्लस चार्ज है तो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7। अब जो इलेक्ट्रॉन्स NO देगा वो कितने देगा, 1 देगा, और जो CN दे रहे हैं वो कितने इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं, 10, सो टोटल कितना आ गया, 18, सो इट अगेन फॉलोइंग 18 इलेक्ट्रॉन रूल। अगर मैं इस एग्जांपल को देखूं, अगेन CO जो है यहाँ पर 2 प्लस है, तो अगेन यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, NO 1 इलेक्ट्रॉन डोनर है तो ये 1 इलेक्ट्रॉन देगा, NH3 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है तो इट विल प्रोवाइड 10 इलेक्ट्रॉन, सो इट इज इक्वल टू 18, अगेन इट इज फॉलोइंग 18 इलेक्ट्रॉन रूल। और अगर मैं इस एग्जाम्पल को देखूं जहां पर NO NO
प्लस की फॉर्म में भी होता है, माइनस की फॉर्म में भी होता है। तो यहाँ पर अगर मैं कैलकुलेट करूंगी तो आयरन के पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन, और एनओ प्लस कितना इलेक्ट्रॉन डोनर है, 3 इलेक्ट्रॉन डोनर। तो ये जो है अगर ये एनओ प्लस की फॉर्म में एक्ट करेगा तो ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनर होगा एनओ, तो 9 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा, और एनओ माइनस की फॉर्म में जब ये होगा तो 1 इलेक्ट्रॉन डोनर होगा। तो यहाँ पर जो हमें टोटल मिलेगा वो 18 इलेक्ट्रॉन मिलेगा। इसका मतलब है कि जो ये जो नाइट्रोसिल्स हैं दे आर फॉलोइंग 18 इलेक्ट्रॉन रूल, अगर ये 18 के बराबर आ रहा है। तो जहां पर भी 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहे हो या ईएन रूल को फॉलो कर रहे हो, वो नाइट्रोसिल्स दे आर मोर स्टेबल एज कंपेयर टू दोज विच आर नॉट ओबेइंग दीज रूल्स। सो आई थिंक नाउ यू कैन इजिली कैलकुलेट द ईएन इन 18 इलेक्ट्रॉन रूल, यू कैन अप्लाई द ईएन इन 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉर नाइट्रोसिल्स ऑल्सो, क्योंकि फॉर्मूला हम ऑलरेडी मेटल कार्बोनिल्स के ईएन रूल में अप्लाई कर चुके हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये लेक्चर हमारा पूरा हुआ जहां पर हमने ईएन रूल एंड 18 इलेक्ट्रॉन रूल को स्टडी किया फॉर मेटल नाइट्रोसिल्स। एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा एंड एप्लीकेशंस ऑफ मेटल नाइट्रोसिल्स। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।